ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं संत कबीर नगर से कुछ खास खबर। स्थानीय तहसील क्षेत्र के रामपुर उत्तरी के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर लगे जल जमाव को लेकर ग्रामीणों में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो हम लोगों के घर के आसपास मुख्य मार्ग पर भारी जल जमाव लग जाता है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। सो हम लोग इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को बताया तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जरा सा भी सुध नहीं लिए और यह कहकर टाल दिया कि आपके ग्राम पंचायत में मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात करिए। वहीं स्थानीय निवासी संजय तिवारी ने बताया कि अगर इस मुख्य मार्ग पर जलजमाव की समस्या नहीं सुनी गई, तो हम लोग आगे चलकर धनघटा तहसील में प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जहां अपने गांव निवास करते हैं उस गांव को पूरी तरह चमका दिए हैं, तो वहीं रामपुर उत्तरी को अभी तक जलजमाव की समस्या नहीं हटा पाए और वहीं हम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें भी होती हैं। हम लोगों के छोटे बच्चे हैं जो कभी भी कोई भी हानि हो सकती है। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शन में संजय तिवारी, पवन कुमार, अखिलेश, सुग्रीव, उर्मिला देवी, शांति देवी दर्शन में मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए संत कबीर नगर से रवि प्रजापति की खास रिपोर्ट। को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इस मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो है पानी हम लोगों के घर इकट्ठा हो रहा है और जो है प्रधान इस पानी का निवारण नहीं कर रहे हैं। पानी निकालने की कोई जो है सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनसे बार बार कहा जा रहा है लेकिन फिर भी वो देखने तक नहीं आए और निकालने की बात तक छोड़ी। किस गांव का मामला, क्या नाम है आपका? राम रामपुर चितौनी, नाम संजय कुमार त्रिपाठी। इस मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको बरसात का पानी है, प्रधान से कह रहे हैं कि निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए। प्रधान सुनते नहीं है, निकालने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, सारे बच्चों को लेकर हमारे घर में सब में पानी है। कितने गांव का रास्ता है ये? रामपुर उत्तरी का, सारे गांव का। क्या नाम है आपका? उर्मिला।